नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार में पंचायत चुनाव अब अपनी रफ्तार पे है और चुनावी जो कैंडिडेट है वो अपने अपने क्षेत्र से अब अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारी मौजूदगी अलौली प्रखंड कार्यालय के बाहर है, जहां दहमा खैरी खुटा से इस बार सरपंच के पद पे नीरज सिंह जी अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं और उन्होंने अपना नामांकन कराइए। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर उस बार जनता के बीच जा रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं? सर, जनता ने अपने आप को हमने चुन करके फर्स्ट बार जो है सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए बोला था। हम तो सोचे थे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता सब सहयोग दिया कि नहीं आपके साथ हैं। कारण है कि जो हम किए वो से जनता खुशी हो करके चुनाव लड़वा रहा है। हम नहीं लड़ते, जनता लड़वा रहा है। जनता का प्यार है, समर्थन है आपको। तो क्या लगता है इस बार चुनावी मैदान में आप तो जनता का लगता है कि जो मूव देख रहे हैं जनता को, जनता तो चाहता है कि कैंडिडेट निकल जाएगा। जनता को जो देख रहे हैं अभी, वो जो देख रहे हैं कि जनता जो है से, इससे पहले भी आपका कुछ राजनीतिक सफर है? इससे पहले सर राजनीतिक था, अभी भी है। हमारा तो मकसद है कि जनता को सेवा करते रहेंगे। जिस तरह के से जनता को सेवा, जनता जो मेरा अधिक कर रहा है, इस लेकर के जनता को सोचते हैं कि जब तक मेरा जिंदगी रहेगा तब तक हम जनता के साथ रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो सरपंच का पद होता है उसके ऊपर क्षेत्र की बहुत बड़ी न्याय की एक जिम्मेदारी होती है, उनको लेकर के कैसे आप निभाएंगे आगे? अब जैसे सर केस मुकदमा हो जाती है गाँव में, छोटा मोटा मैटर लेकर के घरेलू झंझट हो जाता है, उसको सब हम आपसे में ख़त्म कर लेते हैं। आज तक है कि मोटा मोटी कम से कम 5 साल हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के अंतर्गत में हमारे गांव में जो केस मुकदमा होता है वो हम अपने आप को सलट करके थाना से लेकर के और एसपी साहब के से लेकर के यहीं सोचते हैं कि हम यहां पर जो है से अपना काम ख़त्म करवा लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं। जो कि बढ़ने के बाद में होता है क्या कि सर समाज को जो भी रुपया खर्चा होता है मेरी समाज की होती है, इसी लेकर के हम जो है से अपना समाज में सोचते हैं कि बचावे थाना जाने से पहले हाँ किसी तरह पैर पकड़ना पड़ता है, लेकिन पैर पकड़ के हम सबको मिला जुला करके सर पैर पकड़ के भी मतलब हाँ देते हैं। अपना पैसा खर्चा करके 200-400 रुपया भी लगता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम खर्चा करके अपना सोते हैं, अपना सब समाज को मिला जुला करके एक गला में गला मिल करके चलने के लिए चाह रहे हैं। चलिए नीरज जी, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। और ये बताइए कि आने वाले समय में आप अगर सरपंच चुने जाते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे वहाँ की? जनता के लिए सर जो चल रहे हैं, जो सिस्टम हम चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी जनता को जो प्यार मिलेगा आई तरीका से सेवा करते रहेंगे। चुनावी मौसम क्या है इस बार खैरी खुटा में, क्या लगता है? खैरी खुटा में तभी तो चुनावी मौसम जो है से सही चल रहा है, जो ढंग के देख रहे हैं मूवमेंट जनता का सगरे घूर करके देखे। पहले तो हम सोचे थे कि मुखिया चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता जो है से मान लीजिए 75% जनता जो है ना बोला था कि नहीं सरपंच के चुनाव लड़िए, अब सरपंच के योग यह है। लगातार आप जनता की जिस तरह से सेवा में बने हुए हैं, क्या लगता है इस बार जनता का प्यार मिलेगा? हाँ लगता तो है, उम्मीद तो है सर, अब तो ऊपर वाला कृपा, जनता तो चाह रही है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीरज जी, हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि दहमा खैरी खुटा पंचायत से इस बार सरपंच के पद पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल ये तो जनता को ही तय करना है कि उनको अपना सरपंच का सिरोताज किसके सर पर बैठाना है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।